रेलवे कंट्रांती मजदूर यूनियन की ओर से शनिवार को पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिस दौरान उन्होंने उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। लॉकडाउन के कारण ट्रेनें बंद हो गई थी, जिसके कारण अनेक लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी के तहत एसी कोच के अटेंडेंस सप्लायर को भी काम से निकाला गया, जिसके विरोध में रेलवे कंट्रांती मजदूर यूनियन की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 6 से 7 महीने से वो इस मुद्दे पर लेबर कमिश्नर से बात की है, लेकिन अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हम इस संदर्भ में यह पत्र परिषद लिए है कि लॉकडाउन के समय जो एसी कोच के अटेंडेंस थे, पेट्रोल सप्लायर थे, तो गाड़ियां बंद हुई तो हमारे लोगों को भी बंद किया गया, और इनके ऊपर जब उपासमारी के दिन आए तो हमारा कहना ये था कि रेलवे की ये लोग सेवा कर रहे थे, रेलवे ने इनको काम देना चाहिए, और इसलिए लेबर कमिश्नर के पास हमारी पिछले 6-7 महीने से लॉकडाउन के दरमियान से ही हमारी केस जारी है। आंदोलन 8 सितंबर को संविधान चौक में आंदोलन है, और उस आंदोलन में अभी तो हमारे पेट्रोल सप्लायर जो है हमारे पास ये 50-60 कंट्राटी लेबर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग, दूसरे लोग भी हमारे आंदोलन में सहभागी होंगे। डिमांड हमारी यह है एसी कोच अटेंडेंट जो है उनको, जो पहले से 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, उनको फिर से काम पर लेना चाहिए और जल्द काम पर लेना चाहिए, और उनका जो पगार है लॉकडाउन के दरमियान का जो पगार है वो वेतन उनको मिलना चाहिए। रेलवे कंट्राटी मजदूर यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, किशोर गेडाम। इस वक्त उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।